बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। कोरोना वायरस एक प्रचंड महामारी की तरह तेजी से फैलता जा रहा है। देश भर में लाखों लोग इस समय कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं, चाहे वो फिर अमीर हो या फिर गरीब, हर कोई कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है। कोरोना वायरस ने बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को भी नहीं बख्शा है। बीते कुछ महीनों में कई बॉलीवुड स्टार्स कोविड-19 के शिकार भी हो चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रणधीर कपूर को भी कोविड-19 हो गया है। 74 साल के रणधीर कपूर की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। कोरोना वायरस होने के बाद रणधीर कपूर को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इस बात की जानकारी खुद रणधीर कपूर ने दी है। उन्होंने बताया, मुझे आगे कुछ जांच के लिए इंसेंटिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए रणधीर ने कहा, हॉस्पिटल मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, हर चीज कंट्रोल में है, वो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। पूरे टाइम डॉक्टर्स मेरे आसपास रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं कैसे कोरोना के संपर्क में आ गया, मैं हैरान हूँ। मेरा 5 सदस्यों का स्टाफ भी पूरा संक्रमित है, मैंने उन्हें भी अपने साथ कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। रिपोर्ट्स की माने तो आईसीयू में शिफ्ट होने से पहले रणधीर कपूर ने बताया था कि उन्हें कुछ कपकपी महसूस हुई, इसीलिए उन्होंने कोविड जांच कराने का फैसला लिया, जिससे वो कोविड को लेकर सुनिश्चित हो सके, और उन्हें हल्का बुखार भी था जो अब जा चुका है। रणधीर की कोरोना रिपोर्ट के बारे में जानकर फैंस काफी घबरा गए हैं। फैंस सोशल मीडिया के जरिए रणधीर कपूर का हालचाल ले रहे हैं। फैंस के इस प्यार की वजह से रणधीर कपूर इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। लोग रणधीर कपूर की सलामती की दुआ कर रहे हैं। बता दें, रणधीर कपूर ने फिल्म श्री 420 जो कि 1955 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में एक्टिंग की, साथ ही फिल्म मेकर के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई। रणधीर कपूर की अहम फिल्मों में कल आज और कल, जवानी दीवानी और रामपुर का लक्ष्मण शामिल हैं। बता दें, शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर साहब की 5 संतानों में से 3 का निधन बीते 1 से 1.5 साल के बीच में हो चुका है। 3 भाइयों में सिर्फ रणधीर ही परिवार में इस समय इकलौते हैं। उनके मंझले भाई ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल 2020 को हुआ, वहीं फरवरी 2021 में हार्ट अटैक से छोटे भाई राजीव का भी निधन हो गया। वहीं राज कपूर की बेटियां हैं रीमा जैन और ऋतु नंदा। साल 2020 की जनवरी में कैंसर के चलते ऋतु नंदा का भी निधन हो गया। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि रणधीर कपूर जल्द से जल्द ठीक होकर घर लौट जाए। अगर आपको ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।